हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जेकब और आप देख रहे हो जेक ड्राइव्स कार। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में आपको एक प्रोडक्ट दिखाया था मोटर जॉय एंड्रॉइड सीरियो के बारे में, जिसमें के साथ आपको इनबिल्ट मिलता है एप्पल कारप्ले। जी हाँ, इनबिल्ट एप्पल कारप्ले आपको मिलता है। अगर आपने अभी तक वो अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं आई बटन में वीडियो उसको लिंक कर दूंगा, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल्स मालूम हो जाएंगे, फिर आके आप ये वीडियो देखिए जिसका एक्चुअल रिव्यू है मेरा यूजर एक्सपीरियंस के साथ। तो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मोस्ट ऑफ माय वीडियोस जो भी आप व्यूअर्स देख रहे हैं वो एटलीस्ट 50% मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप तुरंत जाके सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी टर्न ऑन कर दीजिए, जिससे जब भी मैं आपको वीडियो लाइव बना के भेजता हूँ आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाता है और आप वीडियो को तुरंत देख भी सकते हैं। तो चलिए इसी बात पर वीडियो शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, तो सामने आप देख सकते हो ये है मेरा टाटा अल्ट्रोस, दिस इज द एक्सी बेस वर्जन। आप मेरे पुराने वीडियोस में भी देख सकते हो, जैसा आप देख रहे हो स्टीरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स कुछ नहीं है, ज़्यादा गेयर स्टिक पे भी कुछ डेकोरेटिव आइटम्स एलिमेंट्स है भी नहीं। तो दिस इज द बेस वर्जन। इस पे पहले मैंने दूसरा एक एंड्रॉयड प्लेयर है जाविस का, अभी मैंने जाके मोटर जॉय का एंड्रॉयड प्लेयर परचेस किया है। इसकी प्लेयर की फर्स्ट दो तीन खास बात है, तो पहले आपको स्टीरियो के इंटरनल्स के बारे में दिखा देता हूँ। चलिए चलते हैं कार सेटिंग्स में, उसके बाद चलते हैं सिस्टम इन्फो में। सिस्टम इन्फो में आप देख सकते हो कि ये एंड्रॉयड 10 पे चल रहा है, ये जेन्युइन एंड्रॉयड 10 OS पे चल रहा है। मैंने खुद रूट चेकर से चेक किया हुआ है, इट इज़ जेन्युइन एंड्रॉयड 10। काफ़ी प्लेयर में क्या होता है वो आपको बताते हैं कि एंड्रॉयड 9 है, एंड्रॉयड 10 है, लेकिन वो पूरे रूटेड वर्जन होते हैं। इनफैक्ट सिस्टम पे एक छोटा हैक डाला जाता है, जैसे कि आपको दिखाई देता है कि वो एंड्रॉयड 10 लेकिन वो चलता है एंड्रॉयड 7 या एंड्रॉयड 8 पे। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी रैम की। रैम में आप देख सकते हो ये 2GB रैम है, इसकी फ्लैश स्टोरेज है 32GB। सो ये 232GB वाला वेरिएंट है। खास बात प्लेयर इस प्लेयर की दूसरे प्लेयर से कंपेयर करें तो ये है कि ये 8-कोर प्रोसेसर है। जी हाँ, 4+4 दैट इज 8-कोर प्रोसेसर, जैसा एक हाई एंड फ्लैगशिप मोबाइल फ़ोन में मिलता है उतना ही बढ़िया प्रोसेसर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बड़े से बड़े फ़ोन के मुकाबले में टक्कर करेगा, लेकिन नहीं, एंड्रॉयड स्टीरियोस में ऑक्टा कोर या 8 कोर डालने अपने खुद में एक खास बात है। आप देख सकते हो कि ये हाई रेजोल्यूशन ऑडियो भी आराम से 24 बिट एट 192 kHz हाई रेफिशेंसी ऑडियो भी प्ले कर देता है। मैं आपको दिखा दूंगा आई एम सॉरी इन द प्लेयर। चलिए उसके बाद चलते हैं फैक्ट्री सेटिंग्स की ओर, और मैं आपको क्विकली प्लेयर को रीबूट करके दिखाना चाहता हूँ कि जितना जल्दी रीबूट होता है, और इसका ब्रांड भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको अनबॉक्सिंग में भी बताया था कि ये ब्रांड जो है इसका नाम है मोटर जॉय। मोटर जॉय इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया बाय सुप्रीम। यहाँ पे आप देख सकते हो मोटर जॉय बाय सुप्रीम। सुप्रीम इज एन इंडियन कंपनी, तकरीबन 40 ईयर्स से ज़्यादा इनका मार्केट में एक्सपीरियंस है। इन्होंने दूसरे गाड़ियों के लिए एक्सेसरीज, जेन्युइन एक्सेसरीज बनाए हैं। मैं ब्रांड्स के नाम बता नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली, बट आपको इतना तो पता होगा कि टॉप सेलिंग कार्स इन इंडिया, इतने बड़े कंपनियों के लिए सुप्रीम ने पहले से ही प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। अभी आपके लिए ये एंड्रॉयड स्टीरियोस भी बना के लेके आ रहे हैं, और ये वाला उनका एक फ्लैगशिप लेवल मॉडल है। मैं आपको मॉडल नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूंगा, अगर आपको परचेस भी करना है तो आप यहाँ पे जाके परचेस कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर भी देता हूँ। तो दोस्तों, ये है आपका फर्स्ट इंटरफेस, जब आप पहले बार सिस्टम ऑन करते हो तो आपको ये वाला इंटरफेस मिल जाता है। तो क्विकली जाके देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपको मिलता है। फर्स्ट जो आप विजेट देखते हो यह आपका स्पीडोमीटर के हिसाब से है, जितना आप गाड़ी चलाओगे उतना एक्चुअल स्पीड ही दिखाई देगा। यहाँ पे आपको 3 किलोमीटर इसलिए दिख रहा है बिकॉज मेरा इग्निशन चालू है और मेरा गाड़ी अभी हिल तो नहीं रहा है, बट आई कैन गिव यू स्मॉल डेमो कि जैसे जैसे मैं थोड़ा स्पीड कैचअप करता हूँ। बट अगेन बी वेयर फ्रेंड्स, गाड़ी चलाते टाइम वीडियो शूट मत करिए, इसीलिए मैं जहाँ पे खाली एक रस्ते पे आया हूँ बस आपको दिखाने के लिए। जैसा मेरा स्पीड इंक्रीज होता है आप नोटिस करोगे कि इतना किलोमीटर से बढ़ के ये दिखा रहा है, राइट। सो इसकी ये एक पहली खास बात है। दूसरी बात है, इसके साथ आपको मिल जाता है क्लॉक और दूसरे शॉर्टकट बटन, दूसरे एप्लीकेशन यूज करने के लिए। आपको FM रेडियो प्लेयर भी मिल जाता है, और जो भी सामने आपको जो गाने प्ले हो रहे हैं उसको भी आपको एक छोटा विजेट मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, प्लेयर के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको अनबॉक्सिंग में भी बताया था और थोड़ी देर पहले भी मैं आपने बताया कि ये ऑक्टा कोर 8 कोर वाला प्रोसेसर है। सो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि 8 कोर क्यों लेना चाहिए कंपेयर टू दी जो नॉर्मल T3 के प्रोसेसर मिलते हैं। मैं ये नहीं करता कि T3 प्रोसेसर के एंड्रॉयड प्लेयर्स खराब है, बट डेफिनेटली दी 8 कोर इज 1 नॉच अबाउट दैट। इट डेफिनेटली गिव्स यू द परफॉर्मेंस टू प्राइस वैल्यू इफ दैट इज देयर। सो चलिए मैं आपको एक क्विक डेमो देता हूँ। मैं आपको नेविगेशन स्टार्ट करता हूँ। मैं नेविगेशन बाय डिफॉल्ट मैंने चूज किया हुआ है कि गूगल मैप्स को। सो आप देख सकते हो कि पहली बारी में ये लॉन्च कर रहा हूँ एंड इट हैज ऑलरेडी पिक्ड अप द सिग्नल।
जैसा आप नोट ये अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यू हैव टू बी एबल टू हैव अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन. आपका अगर इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं होगा तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत लैग मिलता है, बिकॉज सिस्टम इतना ही टाइम लेता है पूरा मैप को डाउनलोड करने के लिए. सो डेफिनेटली इज शोइंग माई करंट लोकेशन एज टू वेयर आई एम राइट नाउ, दैट शोज एब्सोल्युटली फास्ट. लेट्स गो अहेड एंड क्विकली सी. अगर आप कुछ भी नेविगेशन ट्राई करते हो, कुछ भी फीचर ट्राई करते हो, बिकॉज ऑफ द ऑप्टोकोर प्रोसेसर जो भी है, इट पिक्स अप थिंग्स वेरी वेरी फास्ट. सो आपका नेविगेशन भी बहुत जल्दी कैप्चर हो जाता है. आप देख सकते हो कि गूगल से ये इमेजेस भी बहुत जल्दी लोड कर देता है. सो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द ऑक्टाकोर प्रोसेसर. सो सेकेंड थिंग, चलिए बात करते हैं अबाउट द मोस्ट हॉट टॉपिक अबाउट दिस पर्टिकुलर कार, दैट इज द इनबिल्ट एप्पल कारप्ले. तो चलिए फ्रेंड्स, एप्पल कारप्ले के बारे में बात करते हैं. बाय डिफॉल्ट इफ इन केस व्हेन यू लुक ऑन द स्क्रीन, एप्पल कारप्ले आपको कहीं भी दिखेगा नहीं. आप एप्स में भी जाओगे तो आपको दिखेगा नहीं कि यहाँ पे एप्पल कारप्ले कहीं इंस्टॉल है, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी इनबिल्ट. इसको चालू करने के लिए पहले आपको आपका आईफोन लेना चाहिए. ऑब्वियसली आईफोन तो ये मेरा फ़ोन है, और नेक्स्ट मैं आपको एक बार दिखा दूंगा कि ये चलता कैसा है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ डोंगल है नहीं. यहाँ पे मैं सीधा एक लाइटनिंग केबल यूएसबी से जाके, ये मेरे प्लेयर का यूएसबी, आप देख सकते हो कि दूसरे प्लेयर में मेरा एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव कनेक्ट किया हुआ, विच आई लाइक टू लिसन टू माय ओन म्यूजिक. सो और ये आपको बस यहाँ पे कनेक्ट करना है. देखिए फिर से यहाँ पे कुछ और यूएसबी हब या डोंगल कुछ जो दूसरे प्लेयर्स बेचते हो उसकी ज़रूरत है नहीं. ये होने के बाद मैंने इसको किया बंद क्विकली, एंड नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि प्लेयर कैसा चालू करते हैं. तो ये आपका आईफोन हो गया. आप सिंपली आपका केबल इसमें प्लग करिए, और थोड़े बहुत फोन्स में आपको पहले जो है आपका फोन पूछेगा दैट इफ इन केस यू डू वांट टू रन एप्पल कारप्ले और नॉट. आप एक बार एग्री कर लेंगे तो उसके बाद हो जाएगा. अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फुल वर्जन ऑफ द एप्पल कारप्ले हैज ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग. मैंने कुछ किया नहीं है फ्रेंड्स, मैंने जस्ट मेरे फोन को अनप्लग करता हूँ तो चले गया. फिर से प्लग इन करता हूँ. सो बाई डिफॉल्ट इट डिटेक्ट दैट एन आईफोन हैज बीन कनेक्टेड. यहाँ पे देखिए डिवाइस डिटेक्टेड पर के बता रहा है, एंड नाउ इट शोज यू द एक्चुअल फुल वर्जन ऑफ एप्पल कारप्ले. एंड इट इज नॉट दैट दिस इज एनी स्लो स्लाउच एज वेल. यू कैन सी ऑल माई एप्स, द मेजर एप्स दैट आई यूज हैव, मैंने सेटिंग्स में इस तरह कर रहा कि जो भी मेरे इंपॉर्टेंट और जो भी एप्स में सबसे ज्यादा यूज करता हूँ वो एप्स आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा. राइट, फॉर एग्जाम्पल इफ इन केस आई वॉन्ट गो हैड एंड प्ले सम म्यूजिक फ्रॉम YouTube player, that is my YouTube music player, that's my preferred choice. मैं जाके I can go ahead and choose any one thing as such. मैं volume कम कर देता हूँ, फिर बेकार में copyright strike की नौबत आ जाएगी. आई कैन गो अहेड एंड चेक. आपको देख रहे हो कि मेरे फोन के थ्रू एप्पल कारप्ले इज प्लेइंग एक्चुअली म्यूजिक एज सच. राइट, अगर आपको बैक भी जाना है, इफ इन केस यू हिट द होम बटन, आप एप्पल कारप्ले के बाहर निकल सकते हो. अगर आपको फिर से वापस जाना है एप्पल कारप्ले के अंदर, जस्ट क्लिक ऑन द एप्स, फिर आपको यहाँ पे कारप्ले का बटन लोड हो जाएगा. ऑल यू हैव टू डू इज press the CarPlay button and then it will start loading it once again. Right, so I just clicked it. You can see it brought me back to where I left it off. आप यहाँ settings में जा सकते हो. You can choose if in case you want Siri to work, appearance of automatic लगा सकते हो, तो always dark लगा सकते हो. आप देख रहे हो I'm basically breezing through it because of the 8-core processor. Everything has become so fast in this player and that is always exciting, right? जब आपको नया product आता है, companies बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि इसमें आपको Apple CarPlay मिल जाता है, ये मिलता है वगैरह फलाना ढमकाना, लेकिन speed के मामले में हमेशा धोखा दे देते हैं. और you need extra cables, आपको फिर से डोंगल खरीदना पड़ता है, बट अलोंग विद द मोटो जॉय प्रोडक्ट यू डोंट रियली नीड एनीथिंग एज सच. तो ये हो गया आपका एप्पल कारप्ले. तो चलिए अभी नेक्स्ट इसको सिरी भी ट्राई करके देखते हैं. जस्ट सी हाउ फास्ट इट वर्क. हे सिरी, नेविगेट टू द नियरेस्ट पेट्रोल बंक. आप देख सकते हो सिरी भी इतना फास्ट पिकअप कर लिया है. अभी चलो मैं चेक करता हूँ कि मैंने फर्स्ट ये 5 मिनट्स की दूरी पर है, मैंने वो चूज कर लिया. इट इज़ शोइंग मी द रूट ऑलरेडी. राइट, मैंने आपके सामने इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरे करीबी पेट्रोल पंप पे लेके चलिए. इट इज़ शोइंग मी द फास्टेस्ट रूट. आई क्लिक ऑन गो एंड इमीडिएटली इट स्टार्ट्स अ नेविगेशन. सो दैट इज हाउ फास्ट द 8-core प्रोसेसर इज. राइट, तो ये हो गया आपका एप्पल कारप्ले. राइट, सो दोस्तों ये था आपको एप्पल कारप्ले का डेमो, जो एकदम एक बढ़िया सा चल रहा है. कैन चेक, आई कैन गो अहेड, आई कैन मेक अ फोन कॉल एज़ वेल इफ इन केस आई वांट टू. मैप्स में आपका लोकेशन कर सकते हो, दूसरे एप्स आप यूज करते हो. हालांकि आप व्हाट्सएप में यू वोंट बी एबल टू रीड योर मैसेजेस, पहले के मैसेजेस, बट यू कैन डेफिनेटली सेंड अ न्यू मैसेज और कॉल समवन इफ इन केस यू वांट टू. लाइक व्हाट्सएप कॉल आप कर सकते हो, कॉल आप रिसीव भी कर सकते हो, वो सब हो जाएगा. राइट, सो आप दूसरे यूट्यूब म्यूजिक अगर आप चलाना चाहते हो based on whatever you like, functions aram se smooth as a breeze. Right, that is the best thing about this particular pair, which is octa core.
एक्चुअली अभी लेट्स गो बैक टू द होम स्क्रीन. यहाँ पे मुझे पता नहीं कि आपने नोटिस किया या नहीं, मैंने अनबॉक्सिंग में कहा था कि ये कैमरा सपोर्ट करता है 360 व्यू को. जी हाँ, 360 व्यू माने आपके कार के जो भी कैमरास होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं गाड़ी को रिवर्स गियर में डालता हूँ, यू आर एबल टू सी कि रिवर्स का कैमरा ऑन हो चुका है. बट इफ इन केस आई हैड इंस्टॉल्ड, अगर मैं इंस्टॉल कर लेता था 360 कैमरास, तो आपको ये 360 व्यू चालू हो जाता. इसका मतलब ये है यू आर एबल टू इंस्टॉल 360 डिग्री कैमरास ऑन योर कार. अगर आपके कार में इनबिल्ट नहीं आता है, जैसे बड़े बड़े गाड़ियों में आता है, निसान किक्स में आता है, दैट इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग फीचर्स ऑफ दैट कार, राइट. एमजी हेक्टर में भी आपको आ जाता है. तो इस प्लेयर के जरिए आप एक कैमरा मॉड्यूल खरीद सकते हो जो तीन कैमरा मॉड्यूल होता है, दो फ्रंट मिरर पे लगते हैं, एक आपका रिवर्स कैमरा होता है. यूजिंग दिस आपको एक 360 व्यू मिल जाता है. मैं आपको एक छोटा क्लिप वीडियो में भी दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे करता है. सो वो भी आपको इसमें हो जाएगा. सो थ्री थिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको दिमाग में रखना है. फर्स्ट थिंग इज एप्पल कारप्ले, सेकंड थिंग इज 360 व्यू विच सपोर्ट्स 360 कैमरास. आपको कैमरा सेपरेटली खरीदना पड़ता है. जब मैंने ये स्टीरियो खरीदा उसके साथ मिला नहीं है था, एंड अनफॉर्चुनेटली उनके पास स्टॉक भी नहीं था, सो ऑब्वियसली आई वाज नॉट एबल टू बाय इट राइट नाउ. लेकिन अभी स्टॉक आ चुका है. मैं कोशिश करता हूँ कि वो उसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बना के आपको दिखा दूँ. हेडलाइन फीचर इस प्लेयर का इज स्पीड. इट इज एवरीथिंग अबाउट द स्पीड इटसेल्फ. बेसिकली जब आप एंड्रॉयड सीरीज खरीदते हो, एक दो महीने के बाद जब आप सबसे ज्यादा एप्स इंस्टॉल करने शुरू कर देते हो, बिकॉज ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट उतना खास नहीं होता, एवरीथिंग स्टार्ट्स टू बिकम लैगी. बट हियर यू कैन सी आई हैव इंस्टॉल अ लॉट ऑफ एप्स. यहाँ पे आहा हो गया, VLC प्लेयर हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, यूट्यूब हो गया, देन आई ऑल्सो हैव इन द नेक्स्ट पेज नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, वेज, राइट. इतने सारे फीचर्स में ऑल इंस्टॉल करा है. एवरीथिंग इज लाइटनिंग फास्ट. अगर आप प्राइम वीडियो भी डालते हो, if in case your internet connection is fast, it loads up as fast as this, right? Even the navigation is pretty smooth. Usually Amazon Prime बहुत दिक्कत हो जाता है अगर इसको ऑपरेट करने में. Netflix में भी आप देखोगे, as soon as I click the Netflix button, it will go ahead and load up the Netflix, it will load up my profiles. मुझे बस अपना पासवर्ड डालना है and I can go ahead and quickly check that as well. आप देख रहे हो कि पीछे background में have all these apps running, right? I have Waze, I have the car settings, and I have the maps running, I have player this running. फिर भी इतने मेमोरी में इतने ऐप्स चालू होने के बावजूद भी ये प्लेयर कहीं भी स्लो नहीं हो रहा है. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड. अगर आपको ये प्लेयर खरीदना है तो मैं लिंक्स में, स्पेशली फॉर द हैदराबाद फोक्स, लिंक, कॉन्टैक्ट नंबर और नेम आपको दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में. बट अगेन गाइज, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. मैंने खुद से पैसे लगा के ये प्लेयर यूज कर रहा हूँ एंड आई मेड अ वीडियो सो दैट यू गाइज कैन बेनिफिट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, राइट. बात करते हैं प्राइस की. सो प्राइस में भाई लोग, the maximum selling MRP price is somewhere around the 29,000 mark. Yes, it does definitely sounds expensive. लेकिन अगर आपको actual MRP या selling price आपको मिलना है, एक बढ़िया discount या बढ़िया deal मिलना है, जल्दी से जल्दी you can call the contact number in the description. Don't forget to mention that you seen my video on YouTube. I definitely guarantee you, you will be getting an unbeatable price in the market. तो इसी बात पे वीडियो को एंड करता हूँ. मिलते हैं अगले वीडियो में. तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ इन केस यू फाइंड समवन माइट बी इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट. माय नेम इज जेकब, यू आर वॉचिंग जेक ड्राइव कार. हैव अ नाइस डे फोक्स.